अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हालदास रेसिपी स्टोर्स को जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शुक्रिया। आज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म के सिनेमन रोल्स, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जाएगा 2 कप मैदा, इसके साथ है यहाँ पे चीनी 2 खाने के चम्मच, ईस्ट 1 खाने का चम्मच और सॉल्ट है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा ड्राई मिल्क पाउडर, खुश्क पाउडर 2 खाने के चम्मच। ये अखरोट हैं जो कि जाएंगे 1/2 कप। इसे मोटा मोटा कोट लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होगा, बहुत मोटा नहीं होगा क्योंकि हमने इसको स्प्रेड करना है रोल्स के अंदर। इसके साथ है ब्राउन शुगर, ये चाहिए 3 खाने के चम्मच और उसमें है दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। यहाँ पे मैदे को हमें छान लेना है। इसके बाद उसमें हमने ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया 2 खाने के चम्मच। अब इसमें जाएगा ईस्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ये डालकर हम इन सबको मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छे तरीके से। फिर इसके अंदर हम 1 अंडा और 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से हमने इसे गूंदना है, सॉरी इसकी वीडियो मिस हो गई है वरना मैं आपको दिखाती। इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद के, ये देखिए हमने गूंद लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद के इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे, उस वक्त तक जब तक ये डो जो है डबल ना हो जाए। जब ये डबल हो जाएगी तो थोड़ी स्टिकी होगी, हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा हाथ की मदद से गूंदेंगे तो ये दोबारा सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। ये बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, पतली रोटी बेलेंगे और फिर हम इसके ऊपर ब्राउन शुगर, अखरोट और सिनेमन पाउडर को मिक्स करके इसके ऊपर हम फैला देंगे। देखिए अखरोट बहुत मोटे नहीं हैं लेकिन थोड़े थोड़े हल्के हल्के कहीं क्रंची भी हैं और कुछ पिसे हुए भी हैं। जो बच्चियाँ नहीं बना रही हैं उनके लिए इतनी बड़ी रोटी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी हमने इसको रोल करना है, तो ऐसा करें इसके 2 हिस्से कर लें डो के और फिर 2 रोटियां बनाकर फिर आप इसको हैंडल कीजिएगा, रोल कीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह फैला दें। और हल्का हल्का सा हाथ से, इसके बाद स्पून से या हाथ से हल्का हल्का प्रेस भी कर दें ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब हम इसको रोल करेंगे। इसको हल्का हल्का प्रेस भी करते जाना है और रोल भी करते जाना है, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं करना है वरना ये सारा जो हमने अंदर अखरोट का वो लगाया है वो सब बाहर निकल जाएगा, फिलिंग की है जो। हल्की हल्की तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं, हल्के हाथों से आपने प्रेस करते जाना है और रोल करते जाना है। ये देखिए अच्छे तरीके से बाहर की तरफ से भी सेंटर से भी रोल करने के बाद अब हम इसे नाइफ से कट करेंगे, पीसेस कर लेंगे। पीसेस करते हुए ख्याल रखिए आपने हाथ बहुत हल्का रखना है, नाइफ को भी बहुत हल्का हल्का से आपने प्रेस करना है, जैसे नॉर्मल कट करते हैं वैसे नहीं करना, हल्के हाथों से क्योंकि ये डो बहुत सॉफ्ट होगा और ऐसा ना हो ये कटिंग में आपको इसकी शेप चेंज कर दे। डो को भी आपने हल्के हाथों से पकड़ना है, नाइफ को बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने दबाते जाना है और नीचे की तरफ करना है, हल्का सा मूव करके। देखिए इसलिए मैंने आपको कट करते हुए दिखाया है ताकि आप अच्छे तरीके से देख लें, मैंने हल्के हाथों से इसे कट किया है। अब हम इसको बहुत नरमी के साथ अलग अलग कर लेंगे और हाथों से थोड़ी बहुत इसकी शेप ठीक कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस भी कर देंगे
ताकि इसकी शेप अच्छी हो जाए। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट है, जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो नीचे से हल्का सा स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी शेप बहुत अच्छी है। देखिए ये हमने हल्का सा निकाला और इसी तरह हमने सॉफ्ट हैंड से इसे उठा के एहतियात के साथ बेकिंग ट्रे में रख देना है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा अंडा निकाल फेंट कर इस ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। हमने इसमें दो अंडे यूज़ किए हैं, एक हमने पहले बीच में डो में डाला है गूंथते वक्त, दूसरा अंडा हमने फेंट कर इसके ऊपर लगाना है। इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक बेक करना है, जब तक कि हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। और इसके लिए देखिए मेरा वर्ल्ड्स इजीएस्ट केक, उससे मैंने आपको पूरा मेथड बताया है कि कैसे आपने इसको पतीले में बेकिंग करनी है, उसी तरीके से आप इसको भी बेक कर सकते हैं। ये बिस्किट नहीं है, ये रोल्स हैं, इसलिए बिस्किट की तरह क्रिस्पी नहीं होंगे, हल्के से सॉफ्ट होंगे, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं। इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रोल्स बहुत पसंद आए होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। Enjoy!